लोगों का ये पलास्टलेस ट्रैक है और इसमें जो ट्रैक है वो कंक्रीट पे होल्ड किया हुआ है और एक बेयरिंग प्लेट्स होती हैं हमारी, उसके थ्रू बोल्टेड रहते हैं ट्रैक, फिक्स उस पे बोल्ट के थ्रू फिक्स रहते हैं। तो क्या होता है कि ट्रेन जब चलती है तो ये बोल्ट्स टाइम के संग लूज हो जाते हैं, तो हम लोग ये रेगुलर मेंटेनेंस में इसको टाइट करते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक सितंबर में हमारे यहाँ डिरेलमेंट हुआ था इसी प्लेटफॉर्म पे, एक EMU ट्रेन डिरेल हो गई थी, उसका एक कोच डिरेल हुआ था, तो उसमें थोड़ा हम लोग का जो ट्रैक का गेज है वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा मिला था। तो हम लोग का टाइट तो हम लोग करते रहते हैं, बट ये समझ में आया कि इसका जो जिस चीज जो बोल जहाँ टाइट होता है वो जो होल है वो होल ऑबलोंग हो गया है, वो होल का डायमेंशन गड़बड़ हो गया है, जिससे जो है वो बोल्ट टाइट तो हो जाता है लेकिन बहुत बहुत फ्रीक्वेंट मेंटेन करना पड़ जाता है और हमेशा एक फियर बना रहता है कि कहीं लूज़ हो के फिर से गेज स्प्रेड ना हो जाए। तो इसीलिए इसको पूरे ट्रैक को ओवरहॉल करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए हम लोगों ने ब्लॉक लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे करीब 50-60 लेबर दिन रात काम कर रही है और काफ़ी बड़ा काम है जिसमें ट्रैक भी बदली जाएगी पूरा, उसका फिक्सिंग अरेंजमेंट ये सब चेंज हो रहा है। तो डे नाइट काम के बावजूद भी समय लगेगा, तो हम लोगों ने 20 दिन का ये ब्लॉक लिया है। हम लोग कोशिश करेंगे एक दो दिन पहले ही उसे ख़त्म कर सकें, 7th तक हमारा ब्लॉक चलेगा। बट ये है कि पैसेंजर सेफ्टी हमारा प्राइम कंसर्न है, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो रही है पैसेंजर्स को अभी इतने बीच में, लेकिन ये है कि पैसेंजर सेफ्टी भी हमारा सबसे बड़ा एम है और उसके लिए ही हम लोग ये 20 दिन का ब्लॉक लिया। सर, आपने बोला कि आपने 20 दिन का ब्लॉक लिया हुआ है और आज आप इंस्पेक्शन के लिए भी आए, तो काम का प्रोग्रेस नहीं, काम का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। देखिए, इतनी वेल्डिंग का काम, कटिंग का काम, ये सब चल रहा है, पूरी लेबर लगी हुई है, काम बहुत बहुत मैग्नीट्यूड का है और इसको हम लोग इसीलिए आ रहे हैं देखने की कि समय रहते ही इसको कंप्लीट कर सकें, इसकी क्वालिटी देखनी हम लोग। तो ये प्रोग्रेस एकदम जैसा हम लोग ने प्लान किया है, क्योंकि ये काम स्टार्ट करने के पहले हम लोग बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें मटेरियल, लेबर, कैसे काम होगा सब प्लान करके और जो बेयर मिनिमम डेज हो सकते हैं उतने दिन का ही ब्लॉक लिया है और इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ये देखने के लिए कि हम लोगों की वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और उम्मीद करते हैं कि ब्लॉक पीरियड में ही पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, एक दो दिन पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक दो दिन पहले हो जाएगा तो ट्रेन की तब से चलेगी अगर? हाँ, अगर कंप्लीट हो जाता तो ट्रेन चल जाएगी। सर, जो ये प्रॉब्लम आपने बोली वो सिर्फ इसी मतलब ट्रैक में आपको मतलब नोटिस दिखाई दिया? ट्रैक है इसमें वो आप देखते ना बलास्ट, वो गिट्टी होते हैं, वो नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसका जो फिक्सिंग अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है, ये मेट्रो की तरह है इसका फिक्सिंग अरेंजमेंट और ये जो है इसकी इसमें जो होल होते हैं जिसमें कि बोल्ट फिक्स होता है वो होल थोड़े उसके डायमेंशन गड़बड़ हो गए पे होल्स करके और 60 kg वाली बेयरिंग प्लेट्स लगा के उसको अल्टरनेट लोकेशंस पे बोल्ट्स। बट इज इट डिफरेंट देन द अदर? हाँ, इट इज डिफरेंट, इट इज अ बलास्टलेस ट्रैक, इट डजंट कंटेन बलास्ट, fixing arrangement consisting of bearing plates and a base of epoxy.